सो हाय गाइस, अगर मैं कुछ आप लोगों को ऐसा बताऊं कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कुछ स्कार्फ मिलने वाले हैं, फेस मास्क स्कार्फ, साथ में कुछ बियर्ड भी मिलने वाले हैं, तो भाई ये कैसा रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब गाइस को ये बात बिल्कुल सच है कि यार सब लोग एक ही सवाल करने वाले कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब कैसे फ्री में मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं कि आप लोगों को फ्री में स्कार्फ कैसे मिलेंगे, और साथ में गाइस ये भी बात कर लेंगे कि भाई आप लोगों को स्कार्फ किस दिन को बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, बाकी फ्री में कैसे क्लेम करना है। और तो और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। आप लोगों को नेक्स्ट में डायमंड रॉयल के अंदर कौन सा बंडल देखने को मिलेगा आज के इस वीडियो के अंदर, मैं उसका रिव्यू कराऊंगा। साथ ही साथ में गाइस बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉल बैक इवेंट के बारे में। गाइस अपने गेम के अंदर आप लोग को विंटर के थीम पे नया कॉल बैक देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर मिलने वाले रिवॉर्ड्स का मैं आज रिव्यू दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने अपकमिंग कुछ इमोट एंड एनिमेशन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है, अपने गेम के अंदर आने वाला है सब कुछ। आप लोग भी वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देख लीजिएगा और साथ में लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। गाइस देखो, आप लोग जानते हो कि अपने गेम के अंदर 27 दिसंबर के दिन मिस्टर सब का इवेंट आने वाला था। हालांकि मैं डेट भी आपको कंफर्म किया था कि ऑलमोस्ट 90% से ऊपर ये बात कंफर्म था, लेकिन गाइस देखो अभी के टाइम पे करने वालों ने अपने मिस्टर सब इवेंट को कैंसिल कर दिया है। देखा जाए गाइस देखो, ये बात सुनकर आप लोगों के मन में दुख तो आया है कि भाई यार मिस्टर सब इवेंट कैंसिल कैसे हो गया, पहले आने वाला था लेकिन करने वाले उसको कैंसिल क्यों कर दिया। तो भाई देखो, इसके अंदर एक वजह भी है और यहां पर दुख वाली बात नहीं बल्कि खुशी होने वाली बात है। गाइस देखो, आप लोग ऐसा पूछ सकते हो कि यार मिस्टर सब इवेंट बढ़िया इवेंट होता है, इसको कैंसिल कर दिया गया है, तो भाई यहां पर खुशी वाली क्या बात है। बेसिकली गाइस देखो, मिस्टर सब इवेंट को कैंसिल करके करने वालों ने अपने गेम के अंदर एक नया लकी व्हील इवेंट देने का डिसाइड किया है। गाइस आप सबको अपने गेम के अंदर एक न्यू लकी व्हील इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, और गाइस मैं बता दूं, अपना जो लकी व्हील इवेंट होता है उसके अंदर आपको 1x1 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि मिस्टर सब के अंदर बिल्कुल नहीं होता। और इससे भी बड़ी बात गाइस देखो, आप लोगों को मिस्टर सब के अंदर कभी कभार 60% कभी 50% तक डिस्काउंट देखने को मिलता है, लेकिन लकी व्हील के अंदर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आप लोगों को लकी व्हील के अंदर ऑलमोस्ट 90% तक डिस्काउंट हर एक प्लेयर को मिलेंगे। इसलिए गाइस देखो, डिस्काउंट की तरफ से देखा जाए तो भाई लकी व्हील इवेंट अपने मिस्टर सब से बहुत ज्यादा बेहतरीन इवेंट है। और बात करें रिवॉर्ड्स की, तो गाइस देखो इसके अंदर भी आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले अपने लकी व्हील इवेंट के अंदर। अब वो गन स्किन भी है, ग्लूवल भी है, बंडल भी है और भी बहुत सारे आइटम्स इस वाले इवेंट के अंदर दिया जाएगा। गाइस देखो, अगर मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बोलूं तो भाई जितने सारे आइटम आप लोगों को मिस्टर सब के अंदर देखने में मिलने वाला था, वो सारे के सारे आइटम गाइस आप लोगों को लकी व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले, और उसको भी आप लोग 90% डिस्काउंट में बाय कर सकते हो, और अगर किसी का लक बढ़िया है तो भाई 1x1 भी बाय कर सकते हो। बाकी गाइस देखो, यहां पर जैसे आप लोग स्पिन करोगे आप लोगों को हर बार अलग अलग डिस्काउंट मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से आप लोग बढ़िया बढ़िया आइटम्स को बेहतरीन डिस्काउंट में बाय कर सकते हो। तो भाई एक ऐसा इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाला है मिस्ट्री शॉप की जगह। तो आओ गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एंड यहां पर बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग न्यू इमोट और साथ में कुछ न्यू एनिमेशन के बारे में। गाइस देखो, अपने गेम के अंदर आप लोग को ओवीथेटेड अपडेट में कुछ ऐसा इमोट देखने को मिलने वाला है, साथ में कुछ ऐसे भी एनिमेशन देखने को मिलेंगे जो कि पेंडिंग है, मतलब पहले गेम के अंदर आना था, उन सारे आइटम्स को अब जगह गेम के अंदर लाया जाएगा। गाइस जिनमें की सबसे पहले हम बात करते हैं अपकमिंग एक न्यू एनिमेशन के बारे में। गाइस आप लोग यहां पर एक नया एनिमेशन देख पा रहे हो, बेसिकली ये OV37 अपडेट का एनिमेशन है, लेकिन अब जगह अपने गेम के अंदर ये आने वाला है। इसलिए देखा जाएगा देखो, ये जो न्यू एनिमेशन आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑलमोस्ट 2 महीना पुराना है, जो कि अब तक अपने गेम के अंदर आया नहीं है, लेकिन इस बार आप सबको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले अपने फेडेड व्हील इवेंट के अंदर। ये फिर करने वाले चाहेंगे तो भाई किसी और भी इवेंट के अंदर इसको ऐड करा सकते हैं। बाकी आप लोग को न्यू एनिमेशन इस बार अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। एंड अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग इमोट की। बेसिकली जो इमोट का मैं रिव्यू करूंगा, इमोट बिल्कुल नया इमोट है, इसको डिजाइन किया गया है OV38 अपडेट में ही और आएगा OV38 अपडेट में ही। तो गाइस आप लोग यहां पर कुछ नया इमोट का आइकन देख पा रहे हो। गाइस अब तक ये इमोट का पूरा फुल रिव्यू तो मेरे हाथ में नहीं लगा है, लेकिन गाइस मैं इतना कंफर्म कर दूं आप सबको, कुछ इस तरीके से अपने गेम के अंदर नया इमोट देखने को मिलने वाले हैं, और आइकन देखने में तो लग रहा है कि भाई इमोट का भी बेहतरीन डिजाइन किया गया इस बार के लिए। अब इसका जो रिव्यू वगैरह है वो भी गाइस बहुत जल्द मेरे हाथ में आ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका भी रिव्यू करा दूंगा कि न्यू इमोट देखने में कैसा है। बाकी आओ गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल के बारे में। गाइस देखो, अभी के टाइम पे गेम के अंदर जो मेल का बंडल चल रहा है अपने डायमंड रॉयल के अंदर, जैसे ही वो एंड होगा गाइस देखो, उसी के थीम पे आप सबको एक नया फीमेल बंडल अपने डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो बंडल है गाइस, ये देखने में नॉर्मली फीमेल बंडल फिर भी सही है, मतलब मेल बंडल कुछ ज्यादा ही बेहतर था। वैसे गाइस वो तो अभी गेम के अंदर चल रहा है, एंड गाइस देखो जैसे ही वो वाला मेल बंडल चला जाएगा आप लोगों को कुछ इस तरीके से फीमेल बंडल अपने डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। भाई मेरे नजर से इस बार का डायमंड रॉयल दोनों ही बढ़िया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों बंडल ही करने वालों ने काफी तगड़ा डिजाइन किया इस बार के लिए। बाकी गाइस आप सबको नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल देखने में कैसा कुछ लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एंड बात करने वाले हैं अपने कॉल बैक इवेंट के बारे में। गाइस देखो, आप सभी को अपकमिंग में अपने गेम के अंदर दो तरह का कॉल बैक इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहली बात गाइस देखो, अभी के टाइम पे अपने गेम के अंदर एक नया इवेंट चल रहा है, जो कि इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड अर्न रिवॉर्ड्स। तो अब गाइस देखो, इसके अंदर तब लोग को एक मेल का बंडल देखने को मिल जाएंगे, साथ में गाइस गेम के अंदर और एक कॉल बैक इवेंट भी आ रखा है, जहां पर सब लोग को 10 इंक्यूबेटर वाउचर मिल रहा है। आपको किसी दोस्त को इनवाइट करना है करके उनके साथ में गेम प्ले करना है, हालांकि ये कॉल बैक इवेंट में गिना नहीं जाता है, क्योंकि गाइस देखो इस वाले इवेंट के अंदर आपको सिर्फ एक ही दोस्त को इनवाइट करना है करके उनके साथ में गेम प्ले करना है, तब जाके आप लोग को ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स जो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस देखो, गेम के अंदर जो कॉल बैक इवेंट आता है उसके अंदर आपको 4, 5, 7, 8, 10 कॉल बैक करना पड़ता है, तब जाके आप लोग को बाकी के सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिलता है। तो पहली बात गाइस देखो, अपने गेम के अंदर आप
लोगों को विंटर के थीम पे एक नया कॉलबैक इवेंट देखने को मिलेंगे गाइस, जिसके अंदर से आप लोगों को बहुत सारे फ्री में रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को डायमंड वाउचर मिलेंगे, साथ में गाइस आप लोगों को कॉलबैक इवेंट का जो क्रिएट आएगा गेम के अंदर उसके अंदर सब लोगों को मिलने वाला है 5000 डायमंड। अब गाइस देखो ऐसा कुछ कॉलबैक इवेंट अपने गेम के अंदर आएगा, हालांकि आप लोग भी जानते हो भाई डायमंड सबको नहीं मिलता है, बस नेम का ओवर डायमंड शो किया जाता है, लेकिन गाइस देखो मैं कंफर्म कर दूं आप लोगों को कॉलबैक इवेंट जो गेम के अंदर मिलने वाला है वो विंटर के थीम पे आएगा, जिसलिए गाइस देखो विंटर के थीम पे भी कुछ रिवॉर्ड्स को अपने कॉलबैक इवेंट के अंदर दिया जाएगा। साथ में गाइस आप लोग यहां पर जैसे कि इवेंट देख पा रहे हो इनवाइट फ्रेंड एंड विन रिवॉर्ड्स, इस तरीके से और एक इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाला है जिसके अंदर सब लोग को और एक नया बंडल देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी आप लोग को इनवाइट करना पड़ेगा अपने एक दोस्त को जो कि बहुत पहले आईडी वगैरह बना रखा था, लेकिन गाइस को बाद में गेम प्ले करते करते उन्होंने गेम प्ले छोड़ दिया। ऐसे आपको दोस्त को इनवाइट करना है करके उनके साथ में 10 गेम प्ले करना है, फिर आप लोग रिवॉर्ड्स को जो है जीत सकते हो। तो बेसिकली गाइस को यही कुछ अपडेट्स अपने कॉलबैक इवेंट के ऊपर। आओ गाइस आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ फ्री का रिवॉर्ड्स के बारे में एंड साथ में फ्री स्कप और फ्री बियर्ड के बारे में। बेसिकली गाइस को अपने गेम के अंदर आप लोग को न्यू ईयर के थीम पे कुछ नया टोकन देखने को मिलने वाले हैं, जिस टोकन को यूज करके आप लोग फ्री का रिवॉर्ड एक्सचेंज कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर मैं एक बात कंफर्म करके रख दूं, गाइस आप लोग यहाँ पर जितने भी रिवॉर्ड्स वगैरह देख पा रहे हो ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स गाइस बियर्ड वगैरह हो दाढ़ी वगैरह हो सब कुछ गाइस आता है अपने बाहर के सर्वर के अंदर। एंड गाइस को मैं सही बताऊं तो भाई ये सारे के सारे बिल्कुल सेम रिवॉर्ड आपको अपने इंडिया सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन गाइस को इस वाले इवेंट के अंदर सब लोग को एक दो दाढ़ी वगैरह एक दो बियर्ड वगैरह आप सबको अपने इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आएगा अपने न्यू ईयर स्पेशल के टोकन के थीम पे। तो अब गाइस आप लोग को पहले गेम प्ले करना है करके आप लोग को मिशन वगैरह कंप्लीट करना है, देन जो कि आप लोग को न्यू ईयर के थीम पे कुछ नया टोकन वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड गाइस को उस वाले टोकन को यूज करके आप लोग यहाँ पर से फ्री का रिवॉर्ड जो एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी गाइस आप लोग इस वाले इवेंट के अंदर काफी सारा नया नया दाढ़ी बियर्ड देख पा रहे हो, देखो इनमें से जो भी करने वाले को बढ़िया लगेगा उसी रिवॉर्ड को आप लोग को देंगे अपने टोकन एक्सचेंज रिवॉर्ड्स में। एंड हाँ गाइस देखो इनमें से एक दो बियर्ड आप लोग को मिलने वाले स्टोर के अंदर, जिसको आप लोग गोल्ड से एक्सचेंज कर सकते हो न्यू ईयर स्पेशल थीम पे। गाइस देखो ऐसा पहले भी हो चुका है कि भाई अपने गेम के अंदर आपको काफी सारे फेस पेंट और साथ में एक दो बियर्ड वगैरह आप लोग को मिला था गोल्ड से एक्सचेंज करने के लिए, जो कि हुआ था गाइस OB37 अपडेट में। एंड इस बार आप लोग को न्यू ईयर की थीम पे गेम के अंदर जो अपडेट मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा अपडेट होने वाला है, जो कि OB38 का अपडेट है। बाकी गाइस को इसको मैं मेगा इवेंट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अपने गेम के अंदर जो आप लोग को न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे गेम के अंदर अपडेट मिलने वाले गाइस वो अपडेट का भी दमदार है, बिकॉज करने वाले कुछ ऐसे इवेंट को डिजाइन किया है जो कि अपने गेम के अंदर आने वाला है सिर्फ और सिर्फ फ्री रिवॉर्ड्स को अवेलेबल कराने के लिए। गाइस को करने वाले एक नया इवेंट डिजाइन किया जो कि हायातों को पर बेस्ट है, जिस इवेंट का नाम है होराइजन वर्सेस बरमुंडा। और ये जो इवेंट है गाइस देखो ये बेसिकली अपने गेम के अंदर आएगा फ्री रिवॉर्ड्स को देने के लिए, साथ में बेहतरीन रिवॉर्ड्स भी आएगा गेम के अंदर जिनमें कुछ न्यू आइटम्स रहेंगे एंड साथ में गाइस काफी सारे ओल्ड आइटम्स को भी करने वाले अपने गेम के अंदर वापस लाएंगे। तो भाई देखो कहीं ना कहीं अपना जो होराइजन वर्सेस बरमुंडा इवेंट है ये एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा इवेंट करने वालों ने डिजाइन किया है, तो भाई इसीलिए अपना जो गेम के अंदर जो अपडेट आएगा वो इस बार के लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट होगा OB38 अपडेट। बाकी गाइस को जो फ्री रिवॉर्ड्स वाला वीडियो था मतलब चैनल था उसके ऊपर मेरा वीडियो आ गया है, वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जल्दी जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें लिंक को कमेंट बॉक्स में देकर पिन कर दिया हूं, आप लोग वहां से जाइए वीडियो को देख लीजिएगा। और हमें उस वीडियो के अंदर न्यू ईयर के थीम पे मिलने वाले हर एक फ्री रिवॉर्ड्स का रिव्यू कर रहा हूं जो कि आप लोग को न्यू ईयर के थीम पे मिलेंगे, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सनी भाई न्यू ईयर के थीम पे कब क्या फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले, कौन सा फ्री में हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। गाइस देखो वो सारे रिवॉर्ड्स के बारे में वीडियो में बात किया हूं, गाइस जाके वीडियो को देख लीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना उस चैनल को एंड साथ में गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में गाइस, तब तक के लिए बाय।